बढ़िया मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया। हमको नहीं पता हम क्या बोलेंगे, बट हम बोलेंगे कुछ ना कुछ तो हम बोलेंगे। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ एक और अनबॉक्सिंग शेयर करने जा रही हूँ। इस अनबॉक्सिंग में मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास कॉफ़ी मेकर है, बिरयानी पॉट है, एक 3 लीटर का प्रेशर कुकर है और 2 सर्विंग्स बोल मैंने खरीदा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसकी अनबॉक्सिंग आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको भी हेल्प हो जाए कि किस तरह से ये दिखेगा अगर आप भी इन चीज़ों को परचेस करेंगे। तो चलो जल्दी से आज की ये अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस ब्रांड के हैं और किसका कौन सा कैपेसिटी है। तो सबसे पहले मेरे पास ये फिलिप्स का कॉफ़ी मेकर है। इस कॉफ़ी मेकर के बारे में मैं खोल के भी आपको दिखाऊंगी, प्लस मैं आपको इसका डेमो भी करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आप इसका यूज़ करके कॉफ़ी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने एक बिरयानी पॉट ली है, ये 6 लीटर का बिरयानी पॉट है, काफ़ी अच्छी कैपेसिटी का है और इम्पैक्स करके एक ब्रांड है उसका है। इसके बाद मैंने एक 3 लीटर का पिजन का प्रेशर कुकर लिया है एंड उसके साथ मैंने एक सिग्नोरा वेयर का सर्विंग बोल लिया है, ये प्लास्टिक का है, एंड बोरोसिल का एक सर्विंग बोल लिया है जो कि ग्लास का है। तो अब मैं एक एक करके ये दिखाती हूँ कि किस तरह से ये दिखता है एंड क्या कैपेसिटी होती है एंड ऑल। मैंने पहले ही इसका जो आउटर कवर है वो निकाल दिया था क्योंकि कोरोना है एंड जो आउटर पैकेजिंग थी वो भी काफ़ी अच्छी नहीं थी, थोड़ी डैमेज फॉर्म में आई थी, तो इसी की वजह से मैंने सारी की पैकिंग हटा दिया है एंड फाइनल प्रोडक्ट्स निकाल के रख लिया है। बट मैं इसे आपके साथ ही खोलने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ये फिलिप्स का कॉफ़ी मेकर है इसे खोल के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से दिखता है एंड किस तरह से ये वर्क करता है। ये मैं सारी अनबॉक्सिंग कर लूँगी, उसके बाद दिखाऊँगी, लास्ट में डेमो होगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एंड ये बेसिकली आजकल मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी हम पीते हैं, तो इसी की वजह से मैंने ये कॉफ़ी मेकर लिया है। ये हमारा बॉक्स हो गया, इसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस मैनुअल मिलते हैं एंड आई थिंक दिस इज इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इसमें बताया गया है किस तरह से आपको यूज़ करना है इसका, तो मैं एनीवेज आपको डेमो करके दिखाने वाली हूँ। तो ये यूनिट है हमारा, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ये केटल जैसा मुझे लगा था, आई थिंक 7 कप तक बन जाएगा, मैक्स कैपेसिटी इसकी यहाँ पे लिखी हुई है, जो आप देखते हो मार्किंग जैसे है 2 to 3, 4 एंड देन 4 to 6 ऐसा कुछ है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये मार्किंग्स है और इन मार्किंग्स के अकॉर्डिंग इसमें कॉफ़ी बन सकती है। आई थिंक मैक्स इज 7 कप्स बन सकती है। स्टेडी लग रहा है काफ़ी अच्छा, क्वालिटी अच्छा है, क्वालिटी इज़ नॉट बैड, मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं लग रहा है, बट आई थिंक ड्यूरेबल हो सकता है, यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, बट मुझे लगता है थोड़ा छोटा है। एंड देन अब मेन यूनिट हम देख लेते हैं, सो दिस इज़ द मेन यूनिट एंड इसके साथ हमें एक स्पैचुला जैसा मिलता है। आई थिंक कॉफ़ी को हम मेजर करके इसके अंदर डाल सकते हैं कितना लेना है वो काउंट करके, एंड देन इसके अंदर हमें एक फिल्टर मिलता है एंड दिस इज़ द होल कैबिनेट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैबिनेट है पूरा, तो यहाँ पे ये लगा हुआ है एंड आई थिंक कॉफ़ी भी इसके अंदर जाएगी। सो जैसे कि मैंने बोला कि डेमो करके मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको, एंड ये ऑन एंड ऑफ स्विच है इसका एंड ये पूरा इसके अंदर लगने के बाद कुछ ऐसा ये दिखता है। तो अब हम इसे साइड में करते हैं, अपना दूसरा प्रोडक्ट हम खोल लेते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट हमारा ये बिरयानी पॉट है, तो इसे भी मैं देख खोल लेती हूँ।
ये 6 लीटर का पॉट है, काफ़ी बड़ा है। अगर आपको बिरयानी बनानी है तो अच्छी कैपेसिटी में इसके अंदर बन जाएगी। और इसके साथ साथ एक प्लास्टिक का स्पैचुला आया है, तो ये रहा। एंड ये हमारा बोल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये। एंड बिल्ड वाइज भी ये काफ़ी अच्छा है, सिरामिक है। इसको मैंने एक्चुअली एक दो बार यूज़ किया है, इसे मैंने बहुत पहले लिया था, बट मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी अनबॉक्सिंग, एंड क्योंकि ये मुझे बहुत यूज़फुल लगा था। एंड इवन मैंने अपने घर पे लाइक मेरी मदर इन लॉ के लिए भी ये भेजा था, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल मुझे ये प्रोडक्ट लगी थी। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊँ, तो सेपरेटली तो छोटी वीडियो होती, तो मैंने सोचा इसी में इंटीग्रेट कर देती हूँ। बट ये काफ़ी अच्छा पॉट है, अगर आपको कुछ भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना, इवन पास्ता या फिर कुछ भी जो ज़्यादा क्वांटिटी में आपको चाहिए वो आराम से इसमें बन जाता है। जस्ट स्टील का यूज़ ना करें, एंड उससे ये कोटिंग निकल सकती है। एंड अगर आप वुडन का स्पैचुला यूज़ कर रहे हो या जो भी नॉन स्टिक का है, देन इट विल लॉन्ग लास्ट। तो मैंने काफ़ी बार बनाया है एंड ये मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं इसे आपको लेने के लिए बोल सकती हूँ, आप ले सकते हो। एटलीस्ट आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद दिस ब्रांड एंड दिस काइंड ऑफ यूटेंसिल्स। जो नेक्स्ट हमारा है वो है ये प्रेशर कुकर। ये 3 लीटर का प्रेशर कुकर है, इसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल है डू एंड डोंट्स का। एंड आई थिंक इसे हमें अटैच करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके साथ हैंडल नहीं आता है, तो हैंडल अलग से दिए हुए हैं, तो इसको अटैच करना होगा। एंड मेरे पास काफ़ी बड़ा प्रेशर कुकर है, पर मुझे कभी कभी उसको धोने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कि मैंने सोचा था एक छोटा सा प्रेशर कुकर लूँ। ऐसे तो काफ़ी छोटा है, बट एक दो लोगों के लिए कुछ भी लाइक थोड़ा कुछ आप बना रहे हो तो इसमें आराम से बना सकते हो। एंड इसके पीछे इंडक्शन भी है, तो आप इंडक्शन में भी इसको यूज़ कर सकते हो। एंड इवन द बिरयानी पॉट जो मैं आपको दिखा रही थी उसमें भी इंडक्शन है, तो आप उसको भी इंडक्शन में आराम से यूज़ कर सकते हो, और इसको भी आप इंडक्शन में यूज़ कर सकते हो। इसके बाद ये 2 सर्विंग बोल मैंने ली है। ये बोरोसिल का है, आई थिंक 6 पीसेस का दोनों में है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ बोल है, छोटा सा सर्विंग बोल है, एंड 6 पीसेस आते हैं। मुझे तो डैमेज वे में नहीं मिला, काफ़ी रिव्यूज़ मैंने देखी थी जिसमें लोगों ने बोला कि उनको डैमेज पीसेस मिले, बट मैंने सब चेक किया है, कुछ भी डैमेज था नहीं मेरे लिए मेरे इस पैकेज में। एंड साथ में ये काफ़ी पतला है, बोरोसिल ब्रांड है, तो एक्चुअली मैं बायोटेक किया है मैंने, तो मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो मैं हमारे लैब में भी जो भी होते थे लाइक ग्लासवेयर वे बोरोसिल के ही होते थे, तो काफ़ी टिकाऊ तो होते हैं। आई होप ये भी काफ़ी टिकाऊ होने वाला है, आई होप सो। एंड देन इसके बाद ये भी 6 पीसेस का है, जैसे कि आप देख सकते हैं 6 पीसेस का है। एंड ये भी काफ़ी लेकिन ये प्लास्टिक का है एक्चुअली, ये देख सकते हैं ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक मटेरियल है, तो ये टूटेगा नहीं। फूड ग्रेड का है, वो मैंने चेक किया था, इसमें काफ़ी कलर्स भी मिल जाते हैं। ये काफ़ी सस्ते भी हैं, आई थिंक 200 कुछ का है। एंड सारे प्रोडक्ट का कॉस्ट मैं वीडियो में ज़रूर डाल दूंगी और लिंक भी मैं डाल दूंगी, ताकि अगर आपको कुछ भी परचेस करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं। एंड इसमें से कोई भी स्पॉन्सर है नहीं, ये मैंने खुद ही खरीदा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी अनबॉक्सिंग, जैसे मैं अब दिखा रही हूँ कुछ भी मैं खरीद रही हूँ, तो वो आप लोगों का हेल्प हो जाता है कि किस तरह से वो दिखता है, ताकि आप भी डिसाइड कर सको कि वेदर उस प्रोडक्ट को लेना है कि नहीं लेना है। तो आई होप ये सब आपके लिए यूज़फुल आ रहा होगा। एंड आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, काफ़ी टाइम हो चुका है हमें करते करते, एंड आई होप कि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी वीडियोज़ बनाने का। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कॉफ़ी मेकर का आपको डेमो करके दिखाने वाली हूँ किस तरह से इसको यूज़ करना है, तो चलो पहले ये डेमो स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 7 कप तक आप बना सकते हैं कॉफ़ी, तो जिसका मार्किंग पहले से दिया हुआ है। एंड इसको हमको इसके अंदर प्लेस करना है, तो आई थिंक ये हॉट प्लेट है जिसके कारण हीटिंग होती है और कॉफ़ी गर्म होता है। एंड यहाँ के नीचे में आपको अगर दिखेगा तो जैसे ही हम इसके अंदर डाल रहे हैं एक बटन जैसा है जो ऊपर की तरफ प्रेस हो जाता है, तो ये अंदर आराम से जाके फिट हो जाता है। तो
तो पानी हमको डालने से पहले क्या करना है, इसी में हमें जितना भी कप बनाना है इसमें पानी आप पोर कर लो। जैसे मुझे एक कप बनाना है तो मैंने एक कप पानी पोर कर लिया है, तो देख सकते हैं यहाँ तो आई डोंट नो एक कप ही है मेरे हिसाब से, बट इसमें 3 से 4 कप दिखा रहा है एज़ पर इसका मार्किंग। एंड देन इसको खोलना है और यहाँ जहाँ साइड है, साइड में और जहाँ साइड है ये दिख रहा है आपको साइड, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ साइड में ये पानी को पोर कर देना है। पोर करने के बाद जैसे कि मैं एक कप बना रही हूँ तो जो हमारा मेजरिंग का दिया हुआ है जैसे नाप के डालना है उससे एक कप मैं कॉफ़ी ले रही हूँ और इसके अंदर डाल दे रही हूँ। और इसके बाद मैं जो लिड है इसे लगा दे रही हूँ वहाँ पे और इसे बंद कर दे रही हूँ और इसका जो स्विच है वो ऑन कर दे रही हूँ। अब हम वेट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे कॉफ़ी निकलना स्टार्ट हो चुका है। और जैसे कि देख सकते हैं आई थिंक ये लेवल पे आ चुका है 2-3, तो आई थिंक ये कॉफ़ी हमारी रेडी हो गई है, काफ़ी गर्म भी लग रही है तो आई थिंक हमारी कॉफ़ी रेडी है। इसे हम ऑफ कर देंगे एंड ओके, ये देख सकते हैं हमारी कॉफ़ी बिल्कुल भी रेडी हो चुकी है। ये रहा कॉफ़ी हमारा, कॉफ़ी हमारा रेडी हो चुका है तो मैं अभी सर्व करके आपको दिखा देती हूँ। एंड कॉफ़ी हमारी रेडी हो चुकी है, आई थिंक काफ़ी कंसंट्रेटेड है तो अगर हम चाहें तो थोड़ा पानी, गर्म पानी और ऐड कर सकते हैं। बट जैसे कि देख सकते हैं इसमें 2 से 3 कप ये दिखा रहा था बट ये एक्चुअल में केवल एक ही कप कॉफ़ी रेडी हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आई होप आज की ये अनबॉक्सिंग आप सबको पसंद आई होगी, अगर आई तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएंगे कैसी लगी आप सबको। ये अनबॉक्सिंग का मेरा मोटिव ये होता है कि जनरली मैं जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ मुझे फिज़िकली पता नहीं चलता वो दिखता कैसा है, जैसे कि मैंने इसका साइज़ अज्यूम किया था कि ये काफ़ी बड़ा होगा बट जब ये आया तो ये मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है। तो सेम चीज़ें आई थिंक आपके साथ भी होती होंगी, तो इसीलिए मैं जो भी प्रोडक्ट ख़रीदती हूँ मैं बेसिकली उसका एक वीडियो बना देती हूँ ताकि अगर आपको वो चीज़ें ख़रीदनी है तो एक बार आप फिज़िकली एटलीस्ट वीडियोज़ में देख सकें कि वो किस तरह से दिखता है। एंड अभी तक मैंने जितनी भी अनबॉक्सिंग की है अगर आपको किसी का भी रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं उन चीज़ों के ऊपर वीडियो बना सकती हूँ। और साथ में अगर कोई भी क्वेश्चन है इन प्रोडक्ट के रिलेटेड वो भी आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूँगी कि जो भी मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग आप सबको रिप्लाई करूँ। तो आई होप आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी एंड हमारे चैनल में और भी बहुत सारी बेकिंग एंड एवरीडे जो इजी रेसिपीज़ होती हैं वो भी हैं तो आप जाके उनको भी चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ और अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय।